वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर रियल नंबर के सारे थ्योरम्स को डिराइव कर चुके हैं, साथ साथ सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। वो सारे वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन वर्ड से आप लोग 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आज हम फिर से आपको बता दें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। सपोज आपके पास 1/4 एक फ्रैक्शन है या एक रेशनल नंबर है, और आप देखें कि 1 और 4 दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इन दोनों में एक 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। जब हम इस 1 को डिवाइड करना चाहेंगे 4 से, तो हमें दशमलव लगाना है, एक जीरो आएगा, 4 2 8 2 रिमाइंडर अगेन 0, 4 5 20 और रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि जब हमने 1 से 4 को भाग दिया है तो हमें 0.25 मिला। मीन्स दशमलव के दो स्थानों के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। इसके आगे अब डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। द फ्रैक्शन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। इस फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें दशमलव के दो स्थानों के बाद 0 रिमाइंडर मिल जाएगा, और पूरी तरह से इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। तो एक केस हुआ जब हमने किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड किया है और हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी फ्रैक्शन मिल जाए, सपोज 1/3 आपको एक फ्रैक्शन मिली, आप 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 आया, 3 times 9 अगेन 0, 3 times 9, तो हम देखेंगे कि इसको जितने भी बार हम भाग देते चले जाएंगे हमें 0.333333 मिलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि 1/3 को हम लिखते हैं 0.3 बार। इस बार का मतलब है 3 रिपीट होता रहेगा। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कोई नंबर हो 1.76 बार, तो इसका मतलब 1.76767676 आपका रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो बात हुई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। अब इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें थ्योरम्स 1.5, 1.6, 1.7 का नॉलेज होना जरूरी है। तो थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 क्या है? सबसे पहले आप देखें, थ्योरम 1.5 कहती है कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में एंड p एंड q आर को प्राइम। अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में जहां पे p और q को प्राइम है, तब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कब? जब हम q को 2m या 5n या 2m × 5n के फॉर्म में दिखा दे, तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो पूरी तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। तो थ्योरम 1.5 है, लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n × 5m वेयर n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपको ध्यान देना है कि p और q दोनों को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, और यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब मिलेगा? जब हमारा q का फॉर्म या तो 2m का हो या 5n का हो या 2m × 5n का हो। नेक्स्ट थ्योरम 1.6 है, लेट x इक्वल टू p/q बी ए रेशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2m × 5m where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। यानी कि थ्योरम 1.5 का कन्वर्स थ्योरम 1.6 है। आपको जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें 13 and 3125,
क्या ये दोनों को प्राइम है, सबसे पहले ये देख लेना है। को प्राइम का मतलब है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है। अगर कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो उस कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2m × 5n के फॉर्म के हैं तो हम बिना भाग दिए कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन इस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अगर डिनोमिनेटर 2m × 5n का नहीं आता है तब हम बोलेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। थ्योरम 1.7 है, लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n × 5m where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. तो theorem 1.5 ने बताया कि p upon q में अगर p और q दोनों co-prime हैं और अगर q की value 2m या 5n या 2m × 5n की है तो उनका decimal expansion terminating होगा। theorem 1.6 में बताया गया कि अगर किसी fraction में या किसी rational number में denominator 2m × 5n का है तब जब हम उसका भाग देंगे तो हमें एक terminating decimal expansion मिलेगा। theorem 1.7 कहती है कि अगर किसी भी fraction का या किसी भी rational number का denominator 2m × 5n का नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो दिखाएगी। इन थ्योरम्स को यूज करते हुए अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट लगाएं तो आप देखें फर्स्ट पार्ट 13/3125, 13 एक प्राइम नंबर है, 3125 में इसका भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों को प्राइम्स हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि आप बिना भाग दिए बताइए कि जब 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम डिनोमिनेटर 3125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने का मतलब है सबसे पहले हम लो स्मॉलेस्ट नंबर से इसको भाग देंगे, दो से भाग नहीं जाएगा, तीन से भाग देंगे 3+1 4, 4+2 6, 6+5 11, तीन से भी भाग नहीं जाएगा, चार से भी नहीं जाएगा, लेकिन पाँच से डेफिनेटली जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 है। तो हम जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 जो 30 5 2 जो 10 एंड 5 5 जो 25, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5 5 1 जो 5 5 2 जो 10 5 5 जो 25 अगेन 25 अगेन 5 अगेन 1। इसका मतलब है कि 3125 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5, ये हमें 5n के फॉर्म का मिल गया। आप कहें कि यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं 2 पावर 0 2 पावर 0 × 5 टू द पावर 5। इसीलिए मैंने आपको बताया कि या तो 2m मिल जाए या 5n मिल जाए या 2m × 5n दोनों का फॉर्म मिल जाए तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिलेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m × 5n का है। इसका मतलब है कि बिना भाग दिए हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा आपको अच्छे से लिखना है, एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n, so the decimal expansion of 13/3125 is terminating। आप समझ गए होंगे कि क्या कहने की कोशिश किया है। आपको हर एक सवाल में सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आप उस कॉमन फैक्टर से हटा देंगे। जैसे आप ये देखें हमारे पास 6/15 है तो ये 6/15 को हम क्या 3 से भाग दे सकते हैं, 3 2 6 3 5 15, तो ये अब आई को प्राइम नंबर्स। अब हम जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तब हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर 2m × 5n का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर 5 टू द पावर 1 लिखा हुआ है,
इसको 2 इंटू टू पावर जीरो को हम और मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर सी बात है ये हमें 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म मिल गया। इसका मतलब है कि 6 अपॉन 15 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं 17 अपॉन 8 है, 17 अपॉन 8 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, हम सिर्फ डिनोमिनेटर 8 को देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि डिनोमिनेटर को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n का मिल गया है। तो यहाँ पे कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। टर्मिनेटिंग आप लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर is of the form 2 power m into 5 to the power n, so the decimal expansion is terminating। इसी तरह हम 64 upon 655 को करेंगे, जब हम 655 के prime factors करेंगे तो हमें 2 power m into 5 to the power n का form नहीं मिलेगा। Let us check, हमारा third Roman है 64 upon 655। तो 64 अपॉन 655 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, यानी ये दोनों को प्राइम है। हम लोग 655 को डिवाइड करना शुरू करें, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 वन जा 5, 131 आ गया। अब हम देखेंगे 131 के फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, ये एक प्राइम नंबर है। तो 655 इक्वल जो हमें मिला है 131 इंटू 5, 131 इंटू 5 का मतलब है कि ये 5 पावर m इंटू 2 पावर n का फॉर्म नहीं दिखा रहा है। तो लिखेंगे दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो जब ये नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। So, 64 upon 655 having non-terminating repeating, non-terminating repeating decimal expansion. तो इसमें non-terminating repeating decimal expansion होगा। ओप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से हम लोग इसको भी चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो हम लोग तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखें 23 अपॉन ये ऑलरेडी बना हुआ है 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो इसको हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट हमें मिल गया है डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमें इस फॉर्म में मिल रहा है 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो प्राइम फैक्टर्स करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 7 टू द पावर 5 भी इंक्लूड है, ये हमें वो फॉर्म नहीं मिल रहा है 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n का, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो यानी कि हमने ये देख लिया कि हमारा फर्स्ट टर्मिनेटिंग है, सेकंड भी टर्मिनेटिंग है, थर्ड हमने नॉन टर्मिनेटिंग निकाल लिया। यहाँ पे इसको जब हम 15 अपॉन 1600 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हमें टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग दिख रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हमें दिख रहा है, 7 टू द पावर 5 यहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 35 एंड 5 10 50, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं 11/30। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन पार्ट्स में जिन जिन रोमन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला है उन नंबर्स को आप डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करें। तो हमें टर्मिनेटिंग क्या मिला है, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग है, इसके अलावा हमारा ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन नंबर्स का फर्स्ट रोमन, सेकंड रोमन, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये 5 रोमन नंबर्स को भाग देके आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख देना है। मतलब कि जैसे ये हमारा 17/8 है, आप 17 को 8 से भाग दीजिए, जितने भी बार चला जाए वही हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन 6 क्लास स्टैंडर्ड का है, आपको केवल 17 से 8 का भाग देना है, आपको 13 में 15
3125 का भाग देना है, और जो भी यहाँ पे आ जाए आंसर वही आंसर होगा इस एक्सरसाइज का। इसी तरह से आपको यहाँ पे 2^3 × 5^2 का भाग देना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ भाग देना है और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।